A very good morning to all the students. Today we are going to start our second poem of Flamingo Book, An Elementary School Classroom in a Slum, written by Stephen Spender. इस poem में जो Stephen Spender हैं वो specially present कर रहे हैं slum areas के classrooms को, schools को. Elementary school मतलब जो primary schools होते हैं उनके classroom को present कर रहे हैं. And especially he is attacking the people, those who are exploiting the weaker section of the society, यानी कि जो लोग समाज के पिछड़े वर्गों को, जो कमज़ोर वर्ग हैं उनको सताते हैं, उनको उनका एक्सप्लोटेशन शोषण करते हैं, उनके खिलाफ स्टीफन स्पेंडर ने ये पोएम लिखी है. और वो प्रेजेंट कर रहे हैं एक बहुत ही बुरी हालत वीकर सेक्शंस स्कूल्स की. तो चलिए शुरू करते हैं द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम. सो वी विल सी द एक्सप्लेनेशन. Far, far from gusty waves these children faces. Gusty waves are represented as the strong waves. Strong waves are the symbols of the children, those who are living in the higher society. यानि कि जो अच्छे और higher society में रहने वाले बच्चे हैं उनको represent करती हैं gusty waves, यानि कि strong winds या strong waves. यानि कि इन बच्चों के जो चेहरे हैं, किन बच्चों के, जो slum areas में रहने वाले जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उनके जो चेहरे हैं वो लग्जरी एरिया में हायर सोसाइटी में रहने वाले बच्चों के चेहरों से कहीं दूर हैं, यानी कि उनसे बिल्कुल भी उनका मेल या मैच नहीं है. लाइक रूटलेस वीड्स देयर हेयर टर्न राउंड देयर पैलर. लाइक रूटलेस वीड, वीड मतलब होती है जंगली घास, रूटलेस मतलब जिस घास की जड़ भी ना हो. अब इन बच्चों को रूटलेस वीड्स कहा गया है, इसका मतलब क्या है? रूटलेस वीड्स का मतलब ये बच्चे ऐसे हैं जिनकी जड़ें कमज़ोर हैं, यानी कि इनकी जो बेसिक नीड्स हैं वही इनके पास नहीं है. द हेयर टर्न राउंड देयर पैलर, जो इनके बाल हैं, जो उलझे हुए जो इनके बाल हैं वो इनके पीले चेहरों पर, पैलर मतलब वैसे पीलापन होता है, यहाँ पे पीले चेहरों की, यानी कि ऐसे चेहरे जिनका जिनमें फीके हैं, जो उनके चेहरों पर उनके जो उलझे हुए बाल हैं वो बिखरे हुए हैं. द टॉल गर्ल विद हर वे डाउन हेड, उसी क्लास में एक लंबी लड़की है जिसका सर वेड डाउन हेड, यानी कि जिसका सर जो है वो भार से झुका हुआ है. किस भार से? द वेट ऑफ पॉवर्टी, द वेट ऑफ डिप्रेशन, यानी कि उस पर गरीबी की वजह, गरीबी का भार है, उस पर डिप्रेशन का भार है, जिसकी वजह से उसका सर जो है झुका हुआ है. द पेपर सीमिंग बॉय विद द रेड आइज, एक और बच्चा है जिसको मेटाफर यूज़ किया गया है, पेपर सीमिंग बॉय, यानी कि उसको कागज़ के बराबर पतले लड़के से प्रेजेंट किया गया है, उस पेपर के बराबर पतले लड़के को कहा गया है. अब ये एक मेटाफर है, यानी कि एक तुलना की जा रही है बच्चे के, बच्चा कितना कमज़ोर है, जैसे कि पेपर का पेपर होता है उतना पतला बच्चा कमज़ोर है. विद रेड साइज, जैसे कि चूहे में आप देखते हैं शरीर छोटा होता है लेकिन आँखें बड़ी होती हैं, तो इस बच्चे में भी कुछ वैसे ही क्लासरूम, जो स्लम एरियाज का जो बच्चा है इसको, ये इतना पतला है जैसे कि पेपर है और इसकी आंखें बाहर निकली हुई है जैसे चूहे की निकली होती हैं. द स्टॉन्टेड अनलकी हायर, द स्टॉन्टेड अनलकी अर, इसको अर, अर मीन्स होता है वारिस. स्टॉन्टेड मतलब होता है जिसकी ग्रोथ ना हो सके. तो ये बच्चे कैसे हैं जिनकी ग्रोथ रुकी हुई है? अनलकी अर और ट्विस्टेड बोन्स, ये क्या है? रिसाइटिंग ए फादर्स नार्ल डिजीज, ये बच्चे जो हैं जिनकी ग्रोथ रुकी हुई है ये अनलकी अर हैं. अनलकी अर का मतलब एक दुर्भाग्यशाली वारिस हैं जिनको अपने पिता से विरासत में क्या मिली है? ट्विस्टेड बोन्स, यानी कि जैसे अर्थराइटिस होता है जिसमें हड्डियां मुड़ जाती हैं, वो अपने विरासत में अपने पिता से मिली है. और नार्ल डिजीज़, नार्ल डिजीज़ मतलब ऐसी बीमारियाँ जिसमें हड्डियाँ इतनी कमज़ोर हो जाती हैं कि इंसान बूढ़ा दिखने लग जाता है. तो जैसे अच्छे बच्चों को अपने पिता से कई सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं, धन दौलत मिलती है, लेकिन बच्चों को, इन दुर्भाग्यशाली बच्चों को अपने पिता से विरासत में क्या मिली हैं? ट्विस्टेड बोन्स, मुड़ी हुई कमज़ोर हड्डियाँ और अपने पिता की हड्डियों की और बूढ़ेपन की बीमारियाँ. तो ये जो बच्चा है, कौन से जो बच्चे हैं ये क्या कर रहे हैं? ये अपने पिता से विरासत में बीमारियाँ, हड्डियों की बीमारियाँ इनको मिली हुई हैं. और ये हिज लेसन्स फ्रॉम हिज डेस्क, ये कहीं अपनी डेस्क में बैठ करके अपना लेसन पढ़ रहे हैं. एट बैक ऑफ द डिम क्लास वन अननोटेड स्वीट यंग, उसी क्लास में, उसी अंधेरी क्लास में एक स्वीट और यंग बच्चा जो कि अननोटेड है. अननोटेड मतलब अभी तक उसका उस पर किसी का ध्यान नहीं गया है. हिज आइज लिव इन अ ड्रीम, उसकी आँखें जो कि सपना देख रही हैं. किस चीज़ का सपना देख रही हैं? ऑफ स्क्वायरल्स गेम,
इन अ ट्री रूम, यानी कि उस रूम के जस्ट बाहर पेड़ में जो गिलहरियाँ कुछ खेल खेल रही हैं उसकी आँखें उनको देख रही हैं, अदर देन दिस, और इन सब बच्चों से वो अलग है, लेकिन उस पर इतनी सारी प्रॉब्लम्स बच्चों के साथ हैं कि उस बच्चे की सपनों पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा। सो कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड स्टैंजा ऑफ द पोएम, वन सोर क्रीम वॉज डोनेशंस, सोर क्रीम वॉज यानी कि फीकी दीवारें, उस कमरे की जो दीवारें हैं वो कैसी हैं, बिल्कुल फीकी हैं, उस दीवारों में कुछ डोनेशन दान भी दिए गए हैं, कुछ दानदाता जो होते हैं जो दान देते हैं, कई सारा डोनेशंस देते हैं स्कूल के, गरीब स्कूल के बच्चों को, उनके नाम भी वहाँ पे लिखे हुए हैं, और उस दान में क्या क्या दिया है देखिए, शेक्सपियर्स हैड क्लाउडलेस एट डॉन सिविलाइज डोम राइडिंग ऑल सिटीज, उस दीवारों में उन फीकी दीवारों पे डोनेशन में मिले हुए शेक्सपियर्स की फोटोग्राफ, शेक्सपियर आप जानते हैं विलियम शेक्सपियर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट द प्ले राइटर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर का बहुत बड़ा नाम है विलियम शेक्सपियर, तो उनका एक फोटोग्राफ यहाँ पे टंगा हुआ है, क्लाउडलेस एट डॉन, एक सीनरी टंगी हुई है जो कि शाम का एक दृश्य दिखाती है जिसमें बिल्कुल बादल नहीं है, एक साफ सुंदर आसमान का एक दृश्य दिखाती है, सिविलाइज डोम राइडिंग ऑल सिटीज, यानी कि सभ्य समाज की वो ऊंची ऊंची इमारतें जो कि शहरों में फैली हुई हैं, शेक्सपियर का हेड, शाम का वो सुंदर सीनरी और ये ऊंची ऊंची इमारतें, ये सब चीज़ें किस चीज़ का प्रतीक है, क्या चीज़ प्रेजेंट करती हैं, ये सुखी और समृद्ध समाज को दिखाती हैं, लेकिन इन बच्चों से इन समाज का कोई लेना देना नहीं है, और क्या दिखाती हैं, और क्या क्या उस रूम में है, बेल्ड फ्लावरी टायरोलिस वैलीज, टायरोलिस वैलीज जो है ऑस्ट्रिया में मिलती है, बेल्ड मतलब बेलें, फ्लावरी मतलब फूल, यानी कि और किसके वहाँ पे पिक्चर्स हैं, टायरोलिस वैलीज जो कि ऑस्ट्रिया में मिलती हैं, फ्लावर्स और बेल, बेल फूल और टायरोलिस वैलीज के सुंदर सुंदर पिक्चर्स वहाँ पे लगे हुए हैं, कहाँ पे, उनके क्लासरूम में, लेकिन उन फीकी दीवारों में इतनी सुंदर जो जो पिक्चर्स लगे हुए हैं, इन पिक्चर्स का इन गरीब बच्चों से कोई लेना देना नहीं है, इनके पास ऐसी कोई भी सुख सुविधाएं नहीं है। ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, ओपन हैंडेड मैप, वहाँ पे एक दुनिया का एक वर्ल्ड मैप भी लगा हुआ है, अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, इस मैप में, इस पूरे मैप में बड़े बड़े कॉन्टिनेंट और बड़ी बड़ी कंट्रीज शो की गई हैं, एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडो नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड, और फिर भी इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें यहाँ पे लगी हुई हैं, महान राइटर्स की फ़ोटो और बड़े बड़े शहरों की, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की फ़ोटो, वैलीज़ और फ्लावर्स की फ़ोटो यहाँ लगी हुई हैं, और पूरे वर्ल्ड के मैप भी लगे हुए हैं जो बड़ी बड़ी समृद्ध और बड़े बड़े लग्जरीज कंट्रीज़ को दिखाते हैं, लेकिन एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन दीज विंडो नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड, लेकिन फिर भी इन बच्चों के लिए ये जो मैप्स हैं, ये जो चीज़ें हैं, ये इन बच्चों के लिए इन मैप्स से, इन दुनिया से इनका कोई लेना देना नहीं है। क्यों लेना देना नहीं है? क्योंकि इस दुनिया में इस बड़े बड़े कंट्रीज जो हैं, ये बड़े बड़े जो सिटीज़ हैं, इतने बड़े बड़े जो राइटर हैं, ये बहुत ही समृद्ध लोग हैं, बहुत ही लग्जरी लाइफ जीने वाले लोग हैं, लेकिन इन बच्चों का इस लाइफ से, इस लग्जरी लाइफ से दूर दूर तक लेना देना नहीं है। वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विथ फॉग, इन बच्चों का जो भविष्य है, वेयर ऑल देयर फ्यूचर, इन बच्चों का जो भविष्य है पेंटेड विथ फॉग, यानी कि एक धुंध, फॉग मतलब आप जानते हैं एक धुआं, एक धुंध, इनका जो भविष्य है वो धुंध से रंगा हुआ है, धुंध जिसके आर पार कुछ नहीं दिखाई देता, तो ऐसे ही इनका फ्यूचर है, इन बच्चों को अपना फ्यूचर बिल्कुल दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो एक, इनके जो हालत है, इनकी जो लाइफ है वो बहुत ही मिजरेबल है, बहुत ही बुरी हालत में है, अ नैरो स्ट्रीट सील्ड विद अ लेड स्काई, इनकी जो गलियां हैं वो एक फीके आकाश से सील कर दी गई हैं, बंद कर दी गई हैं, कहने का मतलब है कि इनकी जो नैरो स्ट्रीट है, नैरो मतलब छोटी सिकुड़ी हुई गलियां, इनका, इनके जो रास्ते हैं जो इनके फ्यूचर तक इनको ले जाते हैं, वो रास्ते भी इनके जो हैं बहुत क्लियर नहीं है, इनके इनके पास कोई भी ऐसा फ्यूचर प्लान नहीं है जो इनको किसी अच्छे इन इन लग्जरी लाइफ तक ले जा सके, तो नैरो स्ट्रीट, एक इनकी जो छोटी छोटी गलियां हैं सील्ड विद द लेड स्काई, यानी कि जिनको, जो कि एक फीके आसमान ने इनकी गलियों को कैद कर दिया है, यानी कि इनके लिए फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ को पूरी तरह ख़त्म कर दिया है। फार फार फ्रॉम रिवर्स केप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, फार फार फ्रॉम रिवर्स, ये जो बच्चे हैं ये सुंदर नदियों से, केव्स यानी केव्स क्या होते हैं, ये एक
लैंडमास होता है जो कि समुद्रों में होता है। तो ये एक सुंदर नज़ारे हैं, केव्स हैं, रिवर्स हैं और स्टार्स जो हैं, ये सब जो सुंदर नज़ारे हैं ये बच्चों के लिए किसी काम के लिए नहीं है, क्योंकि ये यहाँ तक कभी नहीं पहुँच सकते। और ये क्या है, ये सारी चीज़ें बच्चों के लिए किस तरह हैं, लाइक अ स्टार्स, तारों की तरह, विच कैन बी सीन बट कैन नॉट बी टच्ड, जैसे तारे हैं जिनको देखा तो जा सकता है लेकिन कभी छुआ नहीं जा सकता। तो ये बच्चों के लिए ये नदियाँ हैं, ये जो खूबसूरत नज़ारे जो इनके चारों तरफ दिख, इनके फोटोग्राफ्स में दिख रहे हैं, ये बच्चों के लिए किस तरह हैं, एक स्टार्स की तरह हैं जिनको ये बच्चे सिर्फ देख सकते हैं, कभी भी ज़िंदगी में छू नहीं सकते। ओके, सो दिस पोएम हैव एक्चुअली द फोर पैराग्राफ, फोर स्टेंजास, बट इन दिस वीडियो आई एम एक्सप्लेनिंग जस्ट टू स्टेंजास, रेस्ट ऑफ द टू स्टेंजास विल बी एक्सप्लेन्ड इन द अनदर वीडियो। सो कीप वॉचिंग द वीडियोज़ एंड थैंक यू वेरी मच।